जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज पे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। जी हां, आज का विषय है रेलवे का आकार बदला। रेलवे में 8 विभाग के जगह पे सिंगल इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस हुआ। उसके साथ साथ बहुत जल्द कैडर मर्जर मल्टी स्किलिंग की प्रक्रिया होगी शुरू, जिसके बाद ग्रुप डी का सबसे महत्वपूर्ण डिमांड LDCE लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की समस्या हो जाएगी खत्म। सभी बिंदुओं पे विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे। इसी तरह का ज्ञानवर्धक और इंटरेस्टिंग महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आई बटन का यूज करें और डिस्क्रिप्शन में विजिट करें। मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 में ही PMO ने हस्तक्षेप किया था कि रेलवे में जो इतने विभाग है उस विभाग को कम किया जाए, उसको मर्ज किया जाए, और सलाह दिया था कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस किया जाए, जिस पे जो है प्रक्रिया शुरू की गई और कैबिनेट में इसको पास की गई, जिसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जो मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से उसकी जो विभाग है उसको कम करना, विभागवाद को खत्म करना और कर्मचारियों की संख्या में कमी करना। जैसा कि आप देखे हैं पिछले दिनों ही एक रेलवे की तरफ से नियम निकला कि जिसके 30 वर्ष सर्विस हो गए या 55 वर्ष उम्र हो गया उसको रेलवे से बाहर किया जाएगा। अब PMO ये चाहती है कि ये जो जितने भी इससे संबंधित मुद्दे हैं, चाहे वो कैडर मर्जर का हो, मल्टी स्किलिंग का हो, ये सब प्रक्रिया नवंबर 2020 तक पूरा कंप्लीट कर लिया जाए, जिसके लिए रेलवे मंत्रालय बहुत तेजी से इस पे काम कर रही है। इसी के बाबत पिछले दिनों भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड ने एक लेटर जारी किया था, जिसमें ये बताया गया कि जो वर्तमान रेलवे बोर्ड अध्यक्ष है वो अब रेल के इतिहास में पहली बार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पोस्ट संभाल लिया। जी हाँ, ये GKGS के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। रेलवे का पहला CEO कौन हुए? तो वो हुए श्री BK यादव जी। जी हाँ, विनोद कुमार यादव जी रेलवे के पहला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुए। इनके साथ साथ 4 मेंबर होंगे। पहला जो मेंबर होंगे वो होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, रेलवे बोर्ड का जो मेंबर होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का वो होंगे श्री प्रदीप कुमार जी। दूसरा जो ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक के मेंबर होंगे वो श्री PC शर्मा जी। तीसरा जो मेंबर होंगे ऑपरेशनल एंड बिजनेस डेवलपमेंट रेलवे बोर्ड का जो मेंबर होंगे वो होंगे श्री PS मिश्रा जी। चौथा फाइनेंस से संबंधित जो मेंबर होंगे वो होंगे श्रीमती मंजुला रंगा राजन जी। यानी कि शीर्ष नेतृत्व का जो ये आकार बदला है, मैनेजमेंट का जो आकार बदला है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कर दूं कि इसमें 3 जो पोस्ट एपेक्स लेवल का था उसको सरेंडर किया गया था, जिसमें एक जो मुख्य रूप से दिख रहा है वो ये दिख रहा है इंजीनियरिंग। जी हाँ, जब इंजीनियरिंग मेंबर का पोस्ट सरेंडर हो गया तो इंजीनियरिंग विभाग वाले का भी जाहिर सी बात है इधर उधर मर्जर अवश्य होगा। उसके बाद जो ग्रुप डी कर्मचारियों में विसंगति देखी जाती थी, जो सबसे बड़ा कैडर ग्रुप डी का इंजीनियरिंग विभाग का ट्रैक मेंटेनर है, वो आरोप लगाता था रेलवे बोर्ड पे कि हम लोगों को प्रमोशन के चांसेस नहीं मिलते हैं, हम लोगों का एवेन्यू ऑफ प्रमोशन अलग है जिसके वजह से हमें कोई चांसेस नहीं मिलता। अब हो सकता है उनको बराबरी का अधिकार मिले, क्योंकि जब विभाग ही नहीं रहेगा तो विभागवाद और विभाग से संबंधित प्रमोशन में सीमित रहने की कोई बात नहीं होगी। साथ ही साथ इससे ये होगा कि काम का बर्डन बढ़ेगा, क्योंकि मल्टी स्किलिंग हो जाएगा तो जितने भी कार्य होंगे वो सबको मिला जुला के करना पड़ेगा। पहले विभागवाद में सीमित ये होता था कि आपके विभाग का कोई काम नहीं है तो आप थोड़ा आराम कर लेते थे, लेकिन अब ये होगा कि अगर आपके विभाग में काम नहीं है तो दूसरे विभाग में जाना पड़ेगा। सपोज अगर आप सिग्नल में हैं या फिर ऑपरेटिंग में है, आपका काम नहीं है तो आपको इंजीनियरिंग में जाके और ट्रैक पे ट्रैक मेंटेनर का काम भी करना पड़ेगा, और इससे जो प्रमोशन के बराबर चांसेस मिलेंगे, सबको योग्यता, काबिलियत, एबिलिटी, टैलेंट के आधार पे प्रमोशन मिलेगा। ये सबसे अच्छी बात होगी कैडर मर्जर मल्टी स्किलिंग का, और हम इस डायरेक्शन से जो रेलवे अभी जिस दिशा में जा रही है उससे हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ट्रैक मेंटेनर का सबसे बड़ा मुद्दा LDC का है। हमारे कमेंट सेक्शन में भी कई हमारे व्यूअर आके यही कहते हैं कि LDC कब ओपन होगा, तो LDC का मुद्दा
कैडर मर्जर और मल्टी स्किलिंग से स्वतः खत्म हो जाएगी। और रेलवे बोर्ड के कथनानुसार नवंबर तक वेट कीजिए, नवंबर में आपको एलडीसी का रूपरेखा और आपके प्रमोशन के जितने भी चांसेस है वो सब आपको पता लग जाए। साथियों अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, यूनिफिकेशन ऑफ रेलवे कैडर मर्जर मल्टी स्किलिंग से कुछ कर्मचारियों पे वर्कलोड अवश्य बढ़ेगा, कर्मचारियों की छटनी शुरू हो गई है, उसके बावजूद भी हम इस पे चिंतन और मंथन करने के लिए आपको छोड़ जाते हैं। आप इस पे चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।